बाबा फरीद इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन तालीवाल साहब, वाइस चेयरमैन गरेवाल साहब, डिप्टी डायरेक्टर हरपाल जी, मेरे निजी दोस्त और इत्थे बैठे है होर भी स्टाफ दे सीनियर मैंबर्स, मिस्टर माणा ते स्टूडेंट्स। सब तो पहला तो मैं धारीवाल साहब थोड़ा धन्यवादी हाँ कि तुसी मैनू बहुत देर बाद मौका दिता कि इस तरह के फंक्शन दे विच मैं शिरकत करा। आज जदों मैं गड्डी च बैठ के चलिया तो जिस तरह मूवी दिखाते होंगे है ना कि वह गड्डी दे चला रहा है, लेकिन वह सारा सीन पुराना कॉलेज टाइम का, किसे असी यूथ फेस्टिवल जाते होंगे सी, किस तरह असी इंजॉय करते सी, प्रेफर करते सी पिछलियां सीटा ते बैठी अगे, क्योंकि अगे प्रिंसीपल ते दूसरे ऑफिसर होंगे सी, सानू ऑफिशियल्स वो उन्हां दा डर भी लगता सी, फिर पिछे रौला भी पाउणा, इसनू इंजॉय करना, आइटम्स नू, नाटकां नू, भंगड़िआं नू, गिद्धिआं नू, वो सारे सीन यूनिवर्सिटी दे कॉलेज दे मैनू अज याद आ रहे सी। सो मैं थोड़ा रेडी हाँ इस गल का। मैं ये भी याद है कि जो अज आइटम भंगड़े दे होण जा रहे हैं, मैं इन्हां नू दस रहा सी जो असीं उपर बैठे से चाह पी रहे कि अगर अज मैं इस तरह उत्थे इनगेज ना हुंदा, क्योंकि भर्ती का काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सारा दिन अज थोड़े तो गुजारना सी। आई वुड हैव इंजॉयड अ लॉट, क्योंकि मैं थोनू स्टूडेंट्स नू दसा कि मैं भी भंगड़े का मैंबर हुंदा सी अपनी कॉलेज टीम च, मैनू भी शौक सी भंगड़े का। और भंगड़े च असी क्यों गए सी पता नहीं हुण है कि नहीं, लेकिन उदों चार लड़कियां ते चार लड़के सिलेक्ट हुए सी भंगड़े वास्ते, हुण मेरे ख्याल कंबाइंड टीम आई हम नेवर सी, तो लड़कियां करके असी भी भंगड़े च वड़ गए भी सिलेक्ट हो, चलो ठीक है, जिवें तुसी खुश हो असी भी खुश होंदे सी। उदों तो ये बड़ा एक लाइफ का जिहड़ा टाइम थोड़ा गुजर रहा बेटा, ये गोल्डन पीरियड यही है। और जिन्ना तुसी इत्थे इंजॉय करना है उन्ना ही लाइफ नू जिहड़ा है ना थ्रू आउट लाइफ कर इंजॉय करन दी गल जिहड़ी है वो थोड़े मन दे विच आईदी है, ना कि शॉर्ट टर्म। ये जिहड़े यूथ फेस्टिवल मनाए जाते हैं ये यूनिवर्सिटियां वल्लों, इन्हां दे पिछे एक बहुत बड़ा बेस है इहदा, बिकॉज ये बच्चों के विच कॉन्फिडेंस, अपने आप के उत्ते कॉन्फिडेंस, फेथ, बिलीव इनकलकेट करते हैं। थानू पता लगता है कि लाइफ के विच हाउ टू फेस द लाइफ कॉन्फिडेंट, जिन्हों असी कहने झिझक है वो झिझक खत्म हो जाती। सो ये अज बहुत वड्डा ऑनर है बाबा फरीद इंस्टीट्यूशन नूं कि इत्थे जोनल यूथ फेस्टिवल होण जा रहा है। और जिन्ने भी पार्टिसिपेंट्स है अज, मैं उन्हां नूं शुभकामनावां दिंदा हाँ कि वो अपनी तैयारी जरूर करके आए हैं और वध तो वध मेहनत नाल लगन नाल करन। और लेकिन जिहड़े कोई टीमां रह जांदियां हैं उन्हां नूं ये नहीं सोचना चाहिए कि साडा आइटम माड़ा सी, उन्हां नूं ये देखना चाहिए कि मेरे च की वीकनेसिस सी कि मैं उन्होंने दूर करके अगली दफा टॉप पर आवां। सैकंडली मैं जरूर बधाई देना चाहता धारीवाल साहब थोड़ी इंस्टीट्यूशन नूं कि तुसी एक बहुत ही स्टार जिहड़ा मिस्टर सराह लड़का इतों स्टार पैदा किया, जिहड़ा पी टी सी मैं देखिया सीगा, पी टी सी दा थोड़ा स्टार वॉइस ऑफ पी टी सी बढ़िया है, एक बहुत बड़ी देन है। देखो मेन गल मैं ज़्यादा समा नहीं लेना बिकॉज सब दे मन च धड़कना पर्दे वाली है, बट आई विल टेक फाइव मिनट्स।
कि ये जिहड़ी वो बच्चा भी यह सोच सकता कि असी छोटे जे इस कॉलेज दे विचों सारा पंजाब पिया हैगा मैं कित्थे आ सकता। जिन्नी देर बेटा तुसी अपने आप ते बिलीव नहीं करोगे अपने आप दे विच कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करोगे यू कांट डू एनीथिंग। पहला तुहानू अपने अंदर बिलीव करना पवेगा थानू ये जानना पवेगा कि यस यू कैन डू इफ अदर्स कैन वाई कांट यू दैट इज इंपॉर्टेंट। और लाइफ दे विच गल है तुसी कोई भी चीज़ लैनी है सब तो वड्डी ब्यूटी लाइफ दी ये है कि व्हाटएवर यू वांट यू कैन गैट लेकिन वो दे लई थानू प्राइस देनी पैंदी। तुसी अगर अच्छी कार भी खरीदन जाने हो मार्केट च ते थानू छोटी कार तो लैके वड्डी कार तक अवेलेबिलिटी है बट वड्डी कार लैण लई यू हैव टू पे दी प्राइस। इसे तरह लाइफ दे विच जे तुसी कुछ बनना है राइज करना है तो थानू ये देखना पड़ेगा कि आया मैं जिहड़ी चीज़ नू देख रहा या सोच रहा उहदी मैं प्राइस पे करनू तैयार कि मैं ये कर रहा है। जनरली कहिंदे आ भी ख्याली पलाओ ना बनाओ ड्रीम्स ना लो सुपने जिहड़े है वह गलत है मैं इस दे उल्ट कह रहा। मैं ये बिलीव करदा कि थानू सुपने लेने चाहिए थानू सुपने बनाने चाहिए है कि मैं की करन जा रहा मेरा फ्यूचर की हो सकता और वो फ्यूचर जिहड़ी थोड़ी लाइकिंग है थोड़ी हॉबी है थोड़ी क्योंकि हर आदमी नू नेचर ने डिफरेंट दिती है किसे नू पढ़ाई अच्छा बनाया किसे नू स्पोर्ट्स अच्छा बनाया यू हैव टू सी दैट। फिर वो सुपनिया का एक संसार बनाओ कि मैं ये चीज़ बनना हैगा फिर देखो ये बनने मैं किन्नी प्राइस पे करनी पड़ेगी हाउ मच वर्क आई हैव टू। जे अज मैं धारीवाल साहब तुसी बैठे हो तुसी कहने हो जी इत्थे 7000 स्टूडेंट है इन्नी इहदा इस इंस्टीट्यूशन का इन्ना पंजाब दे विच नाम है और इन्नियां बिल्डिंगां बनिया हुई हैं कि एक दिन च बन गईआं इन्हां ने इसलिए प्राइस पे की है। मैं गल कर रहा सी टोल्ड मी कि जी मैनू 25 साल हो गए लगातार मैं कम कर रहा मेहनत असी वो नहीं देखते दे। असी देखते हैं भी ऐ गड्डियां ते घूम रहे हैं बड़ा इंजॉय कर रहे हैं पर वो पिछे देखो कि उन्हें किन्नी प्राइस पे की है कि तुसी कर रहे हो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं पिछे एक बार जलंधर असी एक शो करवाया सी उहदे विच बड़े फिल्म स्टार बुलाए सीगे जिन्हें विच संजय दत्त वगैरह तो होर बड़े हीरो हीरोइनस मैं बॉम्बे जाने का बहुत मौका मिले उत्थे प्रोड्यूसर्स मिले वह कहें भी असी मैं क्या भी तुम मूवी किमें बना दें असं इन्ना इंजॉय करते हैं वह कहें भी असी पहला मूवी न अपने सुपने साकार कि मूवी इस तरह चलेगी एज आइटम होगी ए स्टोरी होएगी आ एक्टिंग होएगी असी सारी अपने सुपने के तैयार कर लें असी समझते हैं कि असी मूवी ये देख रहे हैं पूरी फिर उस एंगल दे नाल असी उहदे उत्ते वर्क करके मूवी नूं तैयार कर। सो बेटा ये जे तुसी लाइफ दे विच राइज करना हैगा तुसी भी अपना एक सुपना बनाओ गोल बनाओ कि मेरा निशाना गोल ये है। अगर तुसी गोल डिसाइड कर लिया यू टेक टाइम हफ्ते च बनाओ महीने च बनाओ पर साला ना ला दिओ बिकॉज समा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड टाइड्स पढ़िया वेट फॉर नन गोल बनाओ उस गोल नू तुसी 24 घंटे अपने माइंड च रखो कि दिस इज माई गोल। विवेकानंद ने जिस तरह किया दैन की होएगा कहिंदा राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। फिर उठो जागो तो रुको ना जिन्नी देर तुसी अपने गोल नू अचीव नहीं करते उस लई थानू प्राइस पे करनी पएगी। प्राइस की करनी पएगी स्पोर्ट्स के विचों थानू दिन रात मेहनत करनी पएगी पढ़ाई के विचों दिन रात मेहनत करनी अगर तुसी प्राइस पे करते हो यू विल गैट इट। वो कहिंदा जदों समा निकल जाता है किसी ने बड़ा सोहना कहा तो कहिंदा फिर पछतावा ही हथ लगता है फिर असी पछताने
कि ये थोड़ा गोल्डन पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू इंजॉय भी करना, लेकिन ये नाल नाल अपना एक गोल रख के, निशाना रख के वो वल भी जाना है। नेचर का सिस्टम है, कभी नेचर तो दूर ना हो। नेचर जिस तरह इन्होंने कहा, नेचर रिक्वायर्स रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। तुम कभी देखा भी सूरज जोड़ा है वो अज तो 3 घंटे लेट आ रहा है जी, 4 घंटे पहला चला गया जी? नेवर। रेगुलर जोड़ा ना ये माइंड के रख लो, तुम पढ़िया होगा रेगुलर हार्डवर्क, रेगुलर रियाज, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर। ये थोड़ी है भी जो कोई प्लेयर है 3 महीने दिन रात लग्या रहे, 6 महीने जाके सौ जाए, सक्सैसफुल हो जाएगा? नहीं। सो स्टडीज विच भी अपने जिहड़ी भी थोड़ी एक्टिविटी है, गोल बनाया, बी रेगुलर, उनू गोल नू सामने रख के मेहनत करो, ता ही तुसी कामयाब हो सकते। एक त्रिशूल मूवी आई सी, धारीवाल साहब मैं जिक्र करता हूं ना, मैं 5-6 बारी मैं भी देखी जो पढ़ते होंगे, वो डायलॉग बड़े अच्छे है। मूवी करके नहीं मैं कह रहा, बच्चे कोई तो नहीं देखी होनी, कई जानी देखी भी होगी, वो एक एक डायलॉग का वैल्यू है। वो जो कहता, मैंने ये पोजीशन हासिल की है अपनी मेहनत से, अपने लगन से, लगन इज इंपॉर्टेंट, और अपने दिमाग से। बहुत डायलॉग अच्छे है वो। मेरा कहने का मतलब है कि रेगुलर होके गोल नू सामने रख के सुपना बना के अगर असी दिन रात मेहनत करांगे तो मैं नहीं समझता कि असी सानू कोई भी किसी कामयाबी तो पीछे लेके जा सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। माइकल फेलप्स है, मैं पिछे पढ़ रहा सी, उन्हें कहा कि उन्हें पूछा गया थोड़ी हॉबीज की है, उन्हें 7 गोल्ड मेडल लिते है स्विमिंग दे विच। व्हेन ही वाज आस्क्ड, ही सेड कि ईटिंग, स्लीपिंग एंड स्विमिंग, दैट्स ऑल। वो प्राइस पे कर रहे हैं। हुण असीं पढ़दे हां जी 7 गोल्ड मेडल लै ले हैगे आ, लेकिन उहदे लई 3 उहदियां हॉबीज है, ईटिंग, स्लीपिंग एंड स्विमिंग। सो बेटा, जिस लैवल ते अज तुसीं धारीवाल साहब नूं देख रहे हो या होर साडे जिन्ने भी इत्थे बज़र्स बैठे है, अगर उन्होंने पिछले लाइफ के आप मारो, उन्होंने 25-25, 30-30 साल इस दे लई प्राइस पे कीती है। और मैं समझूंगा कि अगर तुसीं भी अज तो सोच के इहनूं असीं अपनाइए, पढ़ाइए, तो मैं समझदा असीं सानूं कोई भी कामयाबी तो दूर नहीं जा सकता। मैं ज़्यादा गल्लां तां बहुत करदी, दिल करता है, पर ज़्यादा समां नहीं लवांगा, क्योंकि पिछे भी मैं नोट कर रहा कुसर कुसर हो रही है कि जी पर्दा चक्कीए, काम शुरू होवे, नवा काम लै लिया जी साहब ने। सो ये गल्लां बहुत जरूरी है लाइफ दे विच। तो मैं थोनों जनरली अपनी जो भी कितने गल करता, मैंने एक गाना बहुत अच्छा, 4 लाइन 2 लाइन वो है कि मैं गौर नहीं लगे, मैं लाइन वो सिर्फ दसन लग्या, कहता रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं तू कहीं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बेटा कंड्या दे चल के ही ये बहारा दे साए मिलने हैं। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं इन्ना कहता हुआ ज़्यादा समा नहीं लूँगा। मैं बहुत फिर धन्यवादी ते ऋणी हाँ थोड़ा, धन्यवाद साहब। क्योंकि ढिल्लों साहब भंगड़े के नाल गायक भी बड़े वधिया रहे ने यूनिवर्सिटी के, मैं इन्हों गुजारिश करा कि बॉबी फिल्म का एक स्टैंजा भावें सुना दें। देखो जिस मंच ते मैं खड़ा ना, इत्थे बड़े बड़े वड्डे आर्टिस्ट है, और असी पुराने हो चुके, और धारीवाल साहब का लैक्चर दिता नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। अदरवाइज इन्ना आई एम नॉट ए गुड ओरेटर। इन्ना सामने तो असी जिवें समुद्र के किनारे कोई घोगे चुगदा है ना, वो स्टेज है साड़ी। ये तो हाले शुक्र है कि ये शुरू नहीं हुए है, टाइम कट लिता है। मैनू क्योंकि आइटम थोड़ा अज्जा है, मैं 4 लाइना एक याद आई, वो जरूर सुनिए चाहवागा। थोड़े जे पिछे साढ़े यंग मुंडे खड़े है, थोड़े जे सोच रहे हैं कि काम क्यों नहीं भंगड़ा शुरू होंदा है, की काम शुरू हो गया इस पीछा का, कहिंदा ओही सड़क है, ओही रूट है, ओही बस है, ओही सीट है। पिछे गौर करना, ओही
सड़क है उही रूट है उही बस है उही सीट है जिथे कदे तू बैठी सै ते अज बैठा हवे। जिथे कदे तू बैठी सै ते अज बैठा हाँ मैं पर तेरे ते मेरे विच पर तेरे ते मेरे विच मेरे ते तेरे विच दो घंटियां दा फर्क है। उदों दे वजे सन 12 हुण दे वजे ने 2 तू मेरी धी ते मैं तेरा प्यो। सो क्लाइमैक्स है शर्मा जी पिछे देखो गल है भी शर्मा जी की आवाज मैं सोचा भी शायद थोड़े फंक्शन च अमिताभ बच्चन आए हुए हैं। मैं पूछा कहते शर्मा जी बोल रहे हैं मैं सोचा कहते अमिताभ बच्चन आए उन्होंने आवाज इन्नी है ही सेज की 4 लाइना कोई गाना देखो कभी कभी मैं जरूर उत्थे कॉलेज टाइम में जरूर गाँव रहा पर हूँ इन्ना रियाज नहीं है बट क्योंकि माहौल ऐसा हैगा आई कांट रिफ्यूज पंजाबी हिंदी दो दो लाइना सुनाऊ लंबी है पहला हिंदी का दो लाइना मैं शायद तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई मैं आशिक तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई मैं शायद तो नहीं सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता जब से तुझसे मुहब्बत करने लगा मैं काफी तो नहीं मैं काफिर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई मैं शायद तो नहीं देखो जो 4 लाइना पंजाबी दा गाना तुरी ओ सुनाऊंगा तेरे लई एक बारी कह दे टुट गई एक वादे टुट गई एक बारी कह दे टुट गई अवे जान के दुखा विच पाई एक बारी कह दे टुट गई अवे जान के दुखा विच पाई प्यार उड़दे परिंदे नाल पा लिया अवे दिल नू अवला रोग ला लिया प्यार उड़दे परिंदे नाल पा लिया ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਵੱਲਾ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਕੇ ਪਰ ਪਰ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਹੋਕੇ ਪਰ ਪਰ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਕ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਕ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਬਟ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ